सो गाइस, अगर आप फोर्टनाइट पहली बार खेल रहे हैं और इसमें अच्छा होना चाहते हैं, क्योंकि अब इंडियंस के लिए भी नए सर्वर्स बन गए हैं, पिंग्स बहुत लो आते हैं, अच्छे आते हैं। मैं पिछले एक साल से ज़्यादा से खेल रहा हूं, पर कभी भी अच्छा नहीं हो पाया था अब तक, क्योंकि हमारे यहाँ पे पिंग बहुत ख़राब आता था। बट अब इम्प्रूव कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे और इंडियन साथी इस गेम को खेल पाएँ, इंजॉय कर पाएँ। ये गेम फ्री है, आप epic.com पे जाके इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल के लिए भी है, टैबलेट्स के लिए भी है, पीसी के लिए भी है। ओके गाइस, तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप है अपने वेपन्स को कैसे अरेंज किया जाए और कैसे यूज़ किया जाए। सबसे बेसिक वेपन है शॉर्ट गन। इसमें ये शॉर्ट गन है, इसमें 5 बुलेट्स होती हैं। एक टाइम पे आप लगभग 5 टाइम शूट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं थोड़ा स्लो है, बट वेरी पावरफुल है। किसी भी अपोनेंट को ये मैक्सिमम 200 हेडशॉट के साथ 200 डैमेज कर सकती है। मिनिमम 30 भी कर सकती है। आपका अगर शॉट अच्छा है, फुल बॉडी शॉट है, तो मिनिमम 100 डैमेज होगा। तो ये बेसिक क्लोज वेपन, सबसे बेस्ट क्लोज वेपन है। नेक्स्ट वेपन है SMG। हमेशा शॉट के बाद एक डिले आता है, आप एकदम से उसको देखने में अपोनेंट बच सकता है, भाग सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आपको फॉलो अप में हमेशा एक फास्ट शूटिंग वेपन रखना पड़ेगा आपके पास। सबसे बेसिक फास्ट शूटिंग वेपन है और सबसे अच्छा है, जो मैं रिकमेंड करूँगा, वो है टैक्टिकल SMG। इसकी फायरिंग रेट बहुत तेज़ है, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है। तो ये आपके लिए सबसे बेसिक गो टू वेपन हो जाएगा आफ्टर शॉटगन। तो क्या आपको अगर फॉलोअप करना है तो कैसे करेंगे? फर्स्ट शूट शॉटगन, देन अपोनेंट 200 से जीरो पे आने में आप पता भी नहीं चलेगा कि अपोनेंट, अगर शॉट्स आप पे अच्छे से कनेक्ट होंगे तो अपोनेंट को पता भी नहीं चलेगा कब वो 200 से जीरो। सिर्फ इन दो वेपन्स की जरूरत है। तीसरा वेपन है जो सबसे बेसिक है, AR हमेशा मीडियम और लॉन्ग रेंज के लिए यूज होता है। अगर आपने एक भी गेम खेला होगा फोर्टनाइट का, तो आपको पता होगा कि फोर्टनाइट में शूटिंग मैकेनिक्स में लूम नाम की चीज़ होती है। जो आप ये क्रॉस हेयर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे, अगर मैं मूव करता हूँ तो ये बड़ा होता चला जाता है, अगर मैं स्टैंड स्टिल करता हूँ तो ये थोड़ा कम हो जाता है, और मैं सिट डाउन करता हूँ तो थोड़ा और टाइट हो जाता है। और जब आप जूम इन करते हैं और विदाउट मूव करते हैं जूम इन, तो देखो बड़ा हो जाता है। और बैठ के स्टेशनरी होके अगर आप कोई शॉट करते हैं तो ये बहुत टाइट होता है, और इसको लूम कहते हैं। लूम का मतलब ये है कि अगर जैसे ये सर्कल आपको क्रॉस हेयर दिखाई दे रहा है, तो इसके बीच में ये फोर जो लाइंस हैं, फोर लाइंस और डॉट, ये मिलकर क्रॉस हेयर बनाते हैं। जो इनको कनेक्ट करने वाला सर्कल होता है, ये ब्लूम की एल्गोरिदम में ऐसा है कि अगर आप शूट करोगे इस टाइम पे कहीं भी, तो आपकी गोली, आपकी बुलेट कहीं भी जा सकती है सर्कल के अंदर। तो इससे क्या है, रैंडमनाइज हो जाता है आपका शॉट। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो आपके उसी पे शूट करेगा, हमेशा टारगेट पे ही लगेगा। पर अगर आप स्टेशनरी होके और स्कोप डाउन करके शॉट लेंगे, तो आपका 100% उस पर फर्स्ट एक्यूरेसी 100% हो जाती है। बट जैसे कि आप अगर टैप फायरिंग करते हैं तो आपका एम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप फायरिंग करते हैं लूम बड़ा होता चला जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं फोर्टनाइट की शूटिंग के। दूसरा, जो फोर्टनाइट सबसे ज़्यादा फेमस गेम इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो ये BR है, बैटल रॉयल गेम है। दूसरा कि इसका बहुत यूनिक फीचर है बिल्डिंग। आप बिल्ड कर सकते हो, अपने ओपोनेंट से बच सकते हो, कवर अपने आप क्रिएट कर सकते हो,
तो इसका सबसे दूसरा इसका सबसे बड़ा दूसरा फेमस होने का कारण यही है कि इसकी ये बिल्डिंग मैकेनिक बहुत यूनिक है और किसी भी गेम में नहीं मिलती। तो फोर्टनाइट में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको बिल्डिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग में तीन मेन तरीके के आप बिल्डिंग कर सकते हो। सबसे पहली है वॉल, दूसरा है रैम, तीसरा है फ्लोर और चौथा है पिरामिड। इन चारों को आपको हर किसी का एक अलग तरीका है, अलग यूसेज है फाइट में यूज़ करने का। अगर आपको कोई सामने से फायरिंग कर रहा है तो आप वॉल और रैम बना सकते हैं, उनसे बचने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वॉल बनाए। रैम आपका हमेशा सीढ़ियों की तरह काम करेगा, स्टेयर्स का काम करेगा। आप ऊपर हाई ग्राउंड ले सकते हैं किसी भी एनिमी के, उसको शूट कर सकते हैं। ये फोर तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। सबसे बेसिक बिल्डिंग जो आप बना सकते हैं, एक वन बाई वन बना सकते हैं किसी भी अपॉइंटमेंट से बचने के लिए फायदा। ये सबसे बेसिक तरीका है फॉर्मेट में अपॉइंटमेंट से बचने के लिए। दूसरा है आप रैंप प्रेश कर सकते हैं किसी को, जो आपको दिख रहा है कि वो यहाँ पे है और आपके नज़दीक पहुँचना चाहते हैं विदाउट शूट आउट होने, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे रैंप क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर जाके ड्रॉप डाउन शूट कर सकते हैं। गाइस जो मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा, आप सोच रहे होंगे बहुत बेसिक बता रहा है, बट कुछ लोगों को नहीं पता है जो फर्स्ट टाइम खेलने वाले हैं, तो ये उनके लिए स्टेप्स है। आगे की वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा और इनके फंडामेंटल्स क्लियर रहने के बाद आपको थोड़ा एडवांस टेक्निक्स। तो कंटिन्यू करते हैं अपना फर्स्ट लेसन, बेसिक बिगनर्स गाइड फॉर फोर्टनाइट। तो आप ये बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने की बाइंड्स अटैच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं दूसरे दूसरे कीज पे। दूसरा है आपको एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर अपोनेंट सामने से आ रहा है और आप उसको शूट आउट करना चाहते हैं विदाउट कवर खोले हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। क्या है, अपोनेंट चौंक जाता है, उसको पता नहीं चलता है कि आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, क्या आप साइड पिक करेंगे या आप एडिटिंग करेंगे, क्या आप डोर बनाएंगे। तो एक वॉल को एडिट करने के चार पांच तरीके होते हैं। पहला बेसिक, नीचे के तीन स्क्वायर्स को आप कनेक्ट कीजिए और फिर कंफर्म कर दीजिए। इससे कि क्या है, आप मूव आउट कर सकते हैं, आप अपोनेंट अगर यहाँ पे खड़ा है तो आउट कर सकते हैं उसे। फिर ये इस साइड से, लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट साइड से भी हो सकता है। फिर ऊपर की ऐसे कवर ले सकते हैं, ऊपर के तीन स्क्वायर्स को कनेक्ट करके कंफर्म करने के बाद ये होता है। फिर आप नेक्स्ट सिक्स स्क्वायर्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप इन फोर को कनेक्ट कर सकते हैं ये वाला बिल्डिंग बनाने के लिए। सेम इसी साइड भी कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं जिससे कि आपको कवर भी मिले और आप। सबसे बेसिक तरीका है जो बिल्ड फाइट करते हैं लोग शहर के अंदर, वो ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि आप बीच का एक वो स्क्वायर कर लीजिए। फोर्टनाइट में एक और बहुत खास चीज़ है और बहुत बेसिक चीज़ है जो किसी भी फाइटिंग से पहले आपको सीखनी पड़ेगी, कि हमेशा कोशिश करिए राइट हैंड पीक रखें। देखिए जिससे कि आपका क्रॉस आ रहा है, आप यहाँ पे शूट भी कर सकते हैं
और अगर ओपोनेंट यहाँ खड़ा है तो वो आपको नहीं शूट कर पाएगा। देखिए अगर वो यहाँ खड़ा है तो वो आपको पहले नहीं शूट कर पाएगा और आप उसको पहले शूट कर पाएंगे। तो ये सबसे बेसिक तरीका है, हमेशा कोशिश करिए कि राइट हैंड वीक रखें। अगर किसी भी बॉक्स फाइट में आप आते हैं तो आप सबसे पहला एडिट ये कर सकते हैं जिससे कि आप कवर्ड भी रहें और शॉट पे। इससे क्या है, थोड़ा आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आप कब पीक कर रहे हैं, और ये नहीं कि आपको शूटिंग का भी मौका मिल जाता है, ये नहीं कि सिर्फ अपोनेंट ही आपकी वॉल पे शूट करता रहे। इससे क्या आप भी शूट डिफेंस रखते हुए तीनों बाकी तीनों जगह से, तो ये नहीं अगर अपोनेंट इधर से आना चाहे इधर से भी आ सकता है, इधर से शूट आउट कर सकते हो, इधर से आएगा आप इधर से भी शूट आउट कर सकते हो। तो ये सबसे बेसिक तरीका है शूट आउट खेलने का, फोर्टनाइट को एडिटिंग के साथ खेलने का। नेक्स्ट है रैम। रैम को भी बहुत तरीके से एडिट किया जा सकता है दोस्तों। रैम को सामने से तो है, आपको कन्वर्ट करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में करना चाहें इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, फिर आप इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेयर्स बनाना चाहते हैं, जिससे क्या है डबल हाइट मिल जाती है आपको। यहाँ पे सिंगल हाइट है और ऐसे करने से डबल हाइट मिल जाती है। सेम आप इस डायरेक्शन में कर सकते हैं, आप सिंगल रैंप कर सकते हैं, ये रैंपिंग एडिटिंग स्टाइल है। तीसरा है फ्लोर। आप फ्लोर को चारों में स्क्वायर्स भी तीन स्क्वायर एट अ टाइम एडिट कर सकते हैं। आप टू भी कर सकते हैं, आप थ्री भी कर सकते हैं, आप वन भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, हमेशा अगर आपका अपोनेंट नीचे है आपसे और आप उसको शूट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, हमेशा लोग ऐसे कवर करके शूट कर रहे हैं। आपको नीचे उतरना है, आप नीचे उतर सकते हैं, आपको अपने ओपोनेंट्स पे अचानक से अटैक करना है और वो उसको लगता है कि वो इस कवर के नीचे सेफ है, बट आप एडिट करके और आगे जंप करके उसको शूट कर सकते हैं। ये फ्लोर के बेसिक तरीके हैं। तीसरा, फ्लोर हमेशा बिल्ड फाइट में यहाँ पे यूज होता है। मान लो कोई अगर आपके ऊपर है तो आप एडिट करके ऐसे शूट कर सकते हैं बॉक्स में। तो ये बिल्डिंग बिल्ड फाइट करने के इजी तरीके हैं। आप फिर आता है पिरामिड्स। आप इसको बहुत कम यूज करेंगे पर ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं, उसी से उनकी डिफरेंशिएट हुई है लोगों के साथ गेम्स। बहुत जो स्टार्टिंग के प्लेयर्स हैं वो सब तीन बिल्ड्स यूज़ करते हैं, जो थोड़ा हाई स्किल्ड हैं जो अच्छे लेवल पहुंच गए हैं वो रैंप्स कम और पिरामिड्स ज़्यादा यूज़ करते हैं बिल्ड फाइट में। इसका बहुत सारा यूसेज है वो मैं आगे की एडवांस वीडियो में बताऊँगा आप लोगों को। इसको भी बहुत तरीके से एडिट कर सकते हैं आप अगर सीखना चाहें तो। फर्स्ट है, फर्स्ट टाइल को एडिट करने से ये शेप बनता है, दो टाइल्स को एडिट करने से ये रैंप एडिट बनता है, तीनों को एडिट करोगे तो ये टू फेस्ड रैंप बनता है, जिससे कि आप अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप दो साइड से प्रोटेक्ट हो सकते हो, ना कि रैंप की तरह एक साइड से नहीं।
इसलिए इसका बहुत यूज करते हैं। इन बिल्ड फाइट्स में भी जिससे कि आप इजीली दोनों साइड से पिक कर सकें। तो दोस्तों ये थे बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स। हाँ, ये बिल्डिंग मटेरियल्स भी तीन तरीके हैं आपके, वुड, ब्रिक और मेटल। वुड की टोटल हेल्थ आपकी होती है 140, जो कोई भी इसे दो उसमें ब्रेक कर सकता है। मेटल की फुल होती है 280। इसको ब्रेक करने के लिए कम से कम तीन अटैक्स की जरूरत पड़ेगी, और मेटल की होती है 460। कम से कम इसे ब्रेक करने के लिए 5 की जरूरत पड़ेगी। तो इनका फायदा क्या होता है, अगर आप ब्रिक से वन बाय वन बनाते हैं तो इसको तोड़ने के लिए एक आरपीजी को भी 2 times हिट करना पड़ेगा आपके वन बाय वन को। अगर आप वुड से बनाते हैं तो कोई भी आरपीजी इसे 1 to 1 हिट में गिरा सकता है आपको नीचे। और मेटल से क्रिएट करते हैं तो कम से कम 3 RPG के शॉट लगेंगे आपको फुल्ली नीचे गिराने में, फुल्ली बिल्ट होने के बाद। तो ये बेसिक फोर्टनाइट के फंडामेंटल्स थे। होप आप इससे कुछ सीख पाए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अगर आप फ्यूचर में और एडवांस टेक्निक सीखना चाहते हैं। थैंक यू गाइस, दिस इज देसी गाय। प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।